Hey guys, in this video we will be taking up describe and alter. Alter के बहुत सारे cases हम देखेंगे. सबसे पहले we will be taking up describe. Describe का meaning क्या होता है कि आपको कोई भी table आपको ना just नाम पता है, आपको उसका structure नहीं पता कि उसमें क्या fields हैं, क्या उनका data type है, whether there are keys existed or not. So you just put up a describe keyword and table name. Let me say testabc.emp. Where test abc is my database name and emp is my table name. So I will just run it. तो मेरे पास क्या आ गया, जो id है यहाँ पे तीन मेरे पास fields हैं, id, first name and last name. id मेरे पास attributes हैं, ये जो तीन हैं, first name and last name. Then I have begint, char30 and char30 are the data types. Then I have nulls. इट मीन्स नो मीन्स नल कैन नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब ये नॉट नल है, ठीक है. और ये दोनों में नल इंक्लूड किया जा सकता है. और डिफॉल्ट ये कीज नहीं है, इनमें से कोई भी की नहीं है, एज वेल एज डिफॉल्ट में नल है. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब मैं टेबल क्रिएट किया है तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी रोज में इंसर्टेड हो दैट विल बी नल, ठीक है. डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड, उसके बाद हम कितनी वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट इसमें नल ऐड हो, ठीक है. नाउ वी विल बी मूविंग टू ऑल्टर. ऑल्टर बेसिकली क्या करता है, अगर आपको बिल्कुल ही बेस से बताऊं तो इसका मीनिंग क्या होता है, या तो टेबल आप बिल्कुल मान लीजिए आप इस टेबल में फर्स्ट नेम की जगह चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही ना हो, सिर्फ नेम कॉलम हो, या आप चाहते हैं आईडी का जो डेटा टाइप है इट शुड नॉट बी बिगिंट, ठीक है, आप कुछ ऐसा चाहते हैं, या आप आईडी का नाम चेंज करना चाहते हैं, एनरोलमेंट नंबर करना चाहते हैं, ठीक है. तो अगर आप इन चीजों को चेंज करना चाहते हैं, या तो आप टेबल पूरे को पूरा ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट करें, या आप एग्जिस्टिंग टेबल को कुछ ना कुछ मॉडिफाई करें सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड आउटपुट. सो बेटर यही है, मान लीजिए इस टेबल में अभी तो ये खाली है, अदरवाइज इस टेबल में मान लीजिए बहुत सारी वैल्यूज हैं, सो इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिलीट द टेबल, रिक्रिएट द टेबल एंड इंसर्ट दोज वैल्यूज अगेन. सो हमें अब क्या करना चाहिए कि जो टेबल ऑलरेडी है उसके कॉलम्स में अगर कुछ भी हमने चेंज करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली डू इट ऑन द टेबल, वी विल नॉट ड्रॉप इट, राइट. सो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम पहले करके देखते हैं कि मैंने आईडी का नाम चेंज करना है, एनरोलमेंट आईडी रखना है, या मैं आईडी का डेटा टाइप भी चेंज करना चाहता हूं, बिगिंट से इंट करना चाहता हूं, ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज ऑल्टर टेबल, देन वी विल गिव टेबल नेम, दैट इज द डेटाबेस डॉट टेबल नेम, एंड देन व्हाट वी हैव इज, तो यहां पे दो चीजें होती है गाइस, एक होता है मॉडिफाई और दूसरा होता है चेंज. सो लेट मी गो विद द चेंज कीवर्ड. अब चेंज क्या करना है, आईडी को हमने बनाना है एनरोलमेंट नंबर, वी वॉन्ट टू मेक इट लाइक दिस, आईडी को एनरोलमेंट नंबर बनाना है, एंड देन एनरोलमेंट नंबर के साथ, मान लीजिए एनरोलमेंट नंबर के साथ हम इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं इंट, एंड देन दिस, ये करना चाहता हूं. मैंने क्या किया, आईडी को चेंज किया एनरोलमेंट नंबर में और उसका डेटा टाइप रखा इंट. लेट मी रन दिस, मेरे पास एक क्वेरी रन हो चुकी है, जीरो रोज अफेक्टेड. लेट मी डिस्क्राइब दिस अगेन फॉर यू. नाउ देयर इज आईडी के नेम हटके एनरोलमेंट नंबर हो गया और बिग इंट की जगह मेरे पास इंट आ गया. और अगेन जो नॉट नल है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, वो हट चुका है, अब यहां पर नल इंक्लूड किया जा सकता है. और अगर आपको सेम ही क्वेरी दोबारा रन करनी है, मान लीजिए एनरोलमेंट नंबर को अब आपने नॉट नल भी बनाना है, तो यहां पे आप दूसरी बार लिखेंगे, ये जो क्वेरी का सिंटेक्स है, मैंने एनरोलमेंट नंबर दोबारा क्यों लिखा, इसका मीनिंग क्या है कि जो पहला एनरोलमेंट नंबर है उसे मैं चेंज करना चाहता हूं, दैट इज माई सोर्स की वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, एंड दिस इज माई टारगेट नेम जो कि एनरोलमेंट नाम ही नंबर रखना चाहता हूं, और यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, नॉट नल. लेकिन इससे इसके साथ नॉट नल के साथ मुझे क्या देना पड़ेगा, एक मुझे डेटा टाइप देना पड़ेगा जो कि इंट है, पहले भी इंट है अभी भी इंट है. तो अब मैं इसे जब इसे इफेक्ट करता हूं तो आप देखेगा यहां पे जैसे नल यस आ रहा है ना कि नल इंक्लूड कर रहा है, अब वो नल इंक्लूड नहीं करेगा, सी अब वो नल इंक्लूड नहीं कर रहा, सेम नेम है सेम डेटा टाइप है लेकिन अब वो नल इंक्लूड नहीं करेगा.
राइट right? तो चेंज इज द कीवर्ड विच हेल्प्स अस विद द ऑल्टर कमांड टू चेंज दीज थिंग्स ऑन द फ्लाई, कि हमें डेटाबेस ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, आप एक कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं, वांट टू ड्रॉप इट, ड्रॉप मैं कोई टेबल मतलब कॉलम करना चाहता हूं, सो व्हाट आई विल डू ऑल्टर टेबल, देन अगेन आई विल हैव द टेबल नेम दैट इज लेट्स से टेस्ट एबीसी डॉट ईएमपी, देन आई वांट टू ड्रॉप अ कॉलम, देन ड्रॉप एंड लेट मी स्पेसिफाई फर्स्ट नेम, ऐसे ड्रॉप करना चाहता हूँ टेबल पूरे के पूरे कॉलम को, सो यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा, एंड अगेन आई विल डिस्क्राइब इट, चेक देर इज नो फर्स्ट नेम, राइट। सो इसलिए जब फर्स्ट नेम अब हमारे पास है नहीं, तो हमने चेंज लेके आए हम कॉलम में, टेबल में बेसिकली, कि हमने एक कॉलम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मान लीजिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो ये लास्ट नेम है इसको फर्स्ट नेम में या नेम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ सिर्फ, सो ऑल्टर टेबल चेंज, हेयर इज माई लेट्स से लास्ट नेम एंड आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ इट, जस्ट नेम, एंड आई वॉन्ट टू मेक एज कैर 40 एंड इट शुड बी नॉट नल, देयर शुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो लेट मी चेंज दिस। यहाँ पे आप लास्ट नेम और कैर 30 देख पा रहे हैं और नल इंक्लूडेड है। लेट मी रन दिस क्वेरी, अगेन डिस्क्राइब इट, चेक इट आउट, यहाँ पे जो नेम है अब वो नेम आ गया है, कैर 40 आ गया और नल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने ऑल्टर टेबल कॉलम का नेम, डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं, टेबल में कॉलम ड्रॉप कैसे करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ये चीजें देखी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी इंसर्शन एंड डिलीशन। थैंक यू सो मच।